हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग का चैप्टर है एपी, शॉर्ट में एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हाई स्कूल में भी है और फर्स्ट ईयर में भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी आज हम इसके रूल पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी इसके बारे में आएगी, कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक के वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा इसके रूल, इसे करने के फायदे क्या होती है एपी, कैसे हम लोग पहचानते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज, कोई भी सीरीज। मान लीजिए लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से कोई टर्म्स लिखे, या मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये कोई सीरीज। ये सभी क्या है, प्रोग्रेशंस हैं। ये सभी क्या है, प्रोग्रेशंस, मतलब जो कोई नंबर सीरीज में लिखे होते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, प्रोग्रेशन होती है, सीरीज की प्रोग्रेशन होती है। मतलब कोई भी नंबर लिख दिया, मान लीजिए 5, 6, 9, 8, 10, कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखे तो सीरीज होगी वो। लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा वो समझ लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो कब होगा, कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए किसी भी सीरीज को सबसे पहले उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एक एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बिकॉज यहां पर अगर हम 3 से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, 4 से 3 माइनस करेंगे तो 1, 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1, 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1। सभी जगह जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो सीरीज कौन सी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, उसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को कहेंगे। तो यही हम लोग क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है सब जगह, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या क्या चीज है, जो इसमें ये टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद जो होता है उसे हम लोग ए कहते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए। ये फर्स्ट टर्म होता है जो FIRST, ए यहां पे फर्स्ट टर्म। डी जो होता है यहां पे कॉमन डिफरेंस, जो डी होता है वो कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसको, ए हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, एक एक का, और फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहां पे 2, फर्स्ट टर्म मतलब यहां पर 2 हम कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मतलब यहां पे हम लोग बच्चों कह सकते हैं 1। तो ये जानना जरूरी है, पहले ए क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। एन, एन जो बच्चों स्मॉल एन जो होता है इसको कहते हैं हम लोग nth, मतलब टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहां पे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म, मतलब n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब an, an की बात करें तो an मतलब होता है nth टर्म्स, nth टर्म मतलब ये क्या होता है, nth टर्म्स, nth टर्म का मींस होता है बच्चों कि वो n नंबर पे कौन सा पद, जैसे हम बात करें सेकेंड पद तो क्या है 3, थर्ड पद तो 4th, फिफ्थ पद, इस प्रकार से नेक्स्ट पद जो भी होगा। तो इसी प्रकार से an मतलब कोई भी तुम्हें पद आपको फाइंड करना है तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 100th पद हो या कोई भी पद हो, एनी 1, 200, 300, कोई भी हो, हम लोग कोई पद यहां से nth टर्म के रूप में कह सकते हैं। जैसे a1 लिखा है तो फर्स्ट टर्म, a2 लिखा है तो सेकेंड टर्म, a3 लिखा है तो थर्ड टर्म, तो मतलब n की जगह यहां पे वही यहां पे 3। और एक चीज और होती है बच्चों, लास्ट, मान लीजिए ये सीरीज 100 पे खत्म हो गई तो यहां पे इसे क्या कहते हैं हम लोग, लास्ट टर्म्स, इसे कहते हैं हम लोग लास्ट टर्म्स कहते हैं, लास्ट टर्म, यहां लास्ट टर्म बच्चों क्या है 100 कहेंगे अगर सीरीज यहां पे खत्म हो। ए मतलब फर्स्ट टर्म्स, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब nth टर्म्स। ओके बच्चों, ये नोट कर लीजिए, जानना जरूरी कि फॉर्मूले में यूज करेंगे तो बताएंगे सब चीजें कहां से आती हैं। तो आइए देखते हैं, सभी लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीरीज हम लोग की है कुछ इस टाइप में है, a a plus d a plus 2d a plus 3d, इस प्रकार से। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने क्या माना बच्चों, a, और कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों, d है, क्योंकि इससे ये माइनस करेंगे तो a से ये बच्चों कट जाएगा तो d बचेगा कॉमन डिफरेंस के रूप में। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, d है। तो बच्चों पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग nth टर्म, वो फॉर्मूला आता कैसे। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें बच्चों, यहाँ पे क्या है बताइए आप,
ए है। सेकेंड टर्म बच्चों क्या है, ए प्लस डी, मतलब ने सेकेंड टर्म की बात की तो यहां पे 1d आया, मतलब ध्यान दीजिए। अगर थर्ड टर्म की बात करेंगे तो क्या है, ए प्लस 2d आया बच्चों। जैसे यहां पे हम फर्स्ट टर्म की बात करें बच्चों यहां पे, तो बच्चों क्या कहेंगे आप लोग यहां पे, ए। अगर हम बात करें सेकेंड टर्म की बात करें बच्चों यहां पे, तो क्या कहेंगे आप लोग, ए प्लस डी। अगर हम लोग थर्ड टर्म की बात करें बच्चों, तो क्या कहेंगे आप लोग, ए प्लस 2d कहेंगे। अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करें बच्चों, तो आप लोग क्या कहेंगे बताइए यहां पे, तो a प्लस 3d। ये क्या होगा बच्चों, a प्लस 3। थोड़ा समझा रहे बच्चों, देखिए ध्यान से, फाइव टर्म फॉर्मूला याद नहीं करना बच्चों, बिल्कुल आसानी से, a प्लस क्या होगा बच्चों यहां पे, अगर फाइव टर्म तो a प्लस 4d। मतलब ये समझा रहा कि हम लोग जहां पर जा रहे हैं वहां पर a सब जगह सेम है, ये बस d जो है वो धीरे धीरे, जो भी यहां पे लिखा है, जैसे 2 लिखा है तो यहां पर 1 आ रहा है, 3 लिखा है तो यहां पे 2 आ रहा है, 4 लिखा है तो यहां पे 3 आ रहा है, और 5 लिखा है तो यहां पे क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो हम बात करें nth टर्म की, तो आप क्या कहेंगे यहां पे, nth टर्म की बात करें तो क्या कहेंगे, a प्लस n से 1 कम कर दीजिए तो क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बन गया बच्चों, इसे ही कहते हैं ए एन इक्वल टू, जिसे हम लोग फॉर्मूले के रूप में ध्यान रखते हैं। जिसे मान लीजिए n अगर 20 है तो 20 पद होंगे, तो यही लास्ट पद भी बन जाएगा, तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब कभी भी आपको n टर्म मालूम करना हो, फाइंड करना हो, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके बच्चों, कभी भी आपको अगर n टर्म मालूम करना, फ्रॉम स्टार्टिंग से, शुरू से आपको n मा पद कोई भी ढूंढना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ओके, इससे कोई भी आपको टर्म्स फाइंड करना हो, कहीं पर भी फाइंड करना हो, कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा हो आपको, कोई भी फाइंड 11, 12, 13, 14 इस फॉर्मूले की मदद से आप फाइंड कर दें। फॉर्मूला समझ में आया बच्चों आपको, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पुश करके। तो आगे देखते हैं नहीं बच्चों, अब हम लोग जानते हैं, हमें कहा जाएगा कि सीरीज के पीछे से कोई टर्म फाइंड करिए। मान लीजिए हमने कहा जैसे a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, और पीछे से बच्चों हमने मान लिया ये a n टर्म जो क्या था, a प्लस n माइनस 1 टू d। तो इससे पहले क्या होगा बच्चों बताइए, इससे पहले क्या होगा, यही तो होगा a प्लस n माइनस 2, क्योंकि n माइनस 2 होगा बच्चों यहां पे, फिर n माइनस 3 होगा। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि पीछे से फाइंड करो, कौन सा टर्म फाइंड करो, कोई भी nth टर्म्स, मतलब फ्रॉम लास्ट से nth टर्म फाइंड करो, मतलब पीछे से दसवां या टेंथ या इलेवेंथ या ट्वेल्थ कोई टर्म्स फाइंड करना हो, लेकिन मैं पीछे से। तो बच्चों ये क्या होता था बच्चों, ये जो l होता था, इसे l मानते थे हम लोग, लास्ट टर्म कहते थे यहाँ पे, तो लास्ट टर्म के रूप में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो क्या कहेंगे अगर, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एंड से nth टर्म, nth टर्म्स, क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ये बस l माइनस, क्योंकि घट रहा धीरे धीरे, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मतलब लास्ट टर्म, n का मतलब जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और d मतलब भी कॉमन डिफरेंस, जो यहां पर होगा वही d बच्चों, सिंपल लगाना है d, कुछ नहीं करना है। फ्रॉम द एंड nth टर्म फॉर्मूला बच्चों, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी लगा देना है बच्चों, सिंपल सा, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे सम निकालने का, कोई सीरीज दे रखी है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d या डेडस पर। अब हम लोग को सम फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, nth टर्म का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों यहां पे, तो हम लोग को सम को हम लोग SN लिखते हैं, SN मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, मतलब इसका मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म्स फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा अलग है, तो इसे आप लोग सीधे याद कर लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम कहें इस पद को ऐड करो, तो बच्चों कैसे ऐड करेंगे अपने, अगर हम टू पद का पूछे तो कैसे आपको ऐड करेंगे, a प्लस डी, ऐसे तो ऐड करेंगे आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस डी, मतलब 2a हर बार आना है बच्चों।
अगर हम कहें इन तीनों पद को ऐड करो बच्चों तो आप कहेंगे a प्लस a प्लस a, तीन बार a आ जाएगा, और d d बच्चों कितनी बार आ जाएगा, तीन बार, तो वो d बच्चों यहाँ पर एक बार आएगा, फिर तीन बार, फिर पांच बार, तो इस प्रकार से d आते हैं। तो इनके लिए फॉर्मूला बच्चों 2a, ध्यान रखिए 2a समझ आएगा, तो वो नंबर बाई टू जितना भी है ऐसे निकालना है, तो क्या हो जाता है बच्चों एन बाई टू, क्या हो जाता है यहाँ पे एन बाई टू, जितने भी नंबर है मान लो उसका क्या कर देंगे हम लोग हाफ कर देंगे, और 2a और प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये तो बच्चों वही है जो पीछे, क्योंकि एक टर्म्स कम होता है, तो n माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन, क्योंकि ऐसे निकाल से टू आया तो यहाँ पे बच्चों d आया था बच्चों, यहाँ पे थ्री निकालना है, तो इसी प्रकार से बच्चों निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर तो थ्री निकालने के लिए बच्चों वही करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म निकालने का, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला है बच्चों, ओके। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इसको भी, वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम लोग को सम दे रखा है, एस एन दे रखा है, एस एन इज गिवन, अगर हम लोग को एस एन गिवन है बच्चों, तो हमें टर्म्स फाइंड करने, तो दिक्कत होती है, टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। तो टर्म्स अगर मान लीजिए ए वन, ए वन वाला बच्चों फर्स्ट टर्म फाइंड करना, तो वो एस वन के ही बराबर होगा, ओके बच्चों। ए टू फाइंड करना हो बच्चों, तो वो एस टू माइनस एस वन के बराबर होगा, ध्यान रखिए बच्चों। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म मतलब सम, बच्चों सिंपल बात है कि दो टर्म के सम में से अगर एक टर्म घटा देंगे पहले वाले टर्म्स को, तो क्या बचेगा, सेकेंड टर्म बचेगा। उसी प्रकार से थ्री टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, तो बच्चों एस थ्री के तीन में से, तीन के समों में से दो का सम क्या कर दीजिए बच्चों, माइनस कर दीजिए। अगर ए एन निकालना है, तो बच्चों क्या करेंगे आप, एस एन से एक टर्म पीछे वाला, तो एस एन माइनस वन के सम को बच्चों घटा देंगे, तो इससे आप कोई भी सम दे रखा है तो इससे आप ये फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ये कुछ रूल है बच्चों जो हम लोग को ध्यान रखने पड़ेंगे। अर्थमेटिक मीन निकालने के बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, इसमें से ए एम अर्थमेटिक मीन निकालने के बच्चों फॉर्मूला, अगर दो नंबर दे रखे हैं ए और बी, तो इसमें कौन सा नंबर रखे हैं, तो ए प्लस बी बाई टू, ये हाई स्कूल में नहीं बच्चों पर फर्स्ट ईयर में है, ए प्लस बी बाई टू, इसका भी कहीं कहीं यूज है, ए प्लस बी बाई फर्स्ट ईयर में, तो ए प्लस बी बाई टू, इन दोनों का सम अपॉन। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ेंगे सवाल लगाते समय, और इसको पढ़ना पड़ेगा। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं करने, ये फॉर्मूले आपको तभी आएंगे जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, सवाल खूब सारे लगाएंगे, तो आपको फॉर्मूले अपने आप से याद हो जाएंगे। तो बच्चों प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके कुछ क्वेश्चन जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉर्मूले को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और उसे तैयार कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल बताऊंगा, और आपको कोई सवाल लगाया है नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।